डॉक्टर साहब को शायद आपको अपनी वादियां याद आएं, क्योंकि ये पेड़ अखरोट और खुमानी के उस इलाके में ज़्यादा हैं और कम मिलते हैं कहीं और। लेकिन एक छोटे से दो एक हादसा नज़र आता है। पेड़ों की कहानियां भी वैसे ही चलती हैं जैसे इंसानों की। हमारे साथ ही पले हैं, हमारे साथ ही बड़े हुए हैं, कभी हम गुजर गए पहले, कभी पेड़ गुजर गए। क्या बात, हालात पे खुमानी अखरोट बहुत दिन पास रहे थे, खुमानी अखरोट बहुत दिन पास रहे थे। दोनों के जब अक्स पड़ा करते थे बहते दरिया में, पेड़ों की पोशाकें छोड़ के नंग धड़ंग दोनों दिन भर पानी में तैरा करते थे। खुमानी और अखरोट बहुत दिन पास रहे थे, दोनों के जब अक्स पड़ा करते थे बहते दरिया में, पेड़ों की पोशाकें छोड़ के नंग धड़ंग दोनों दिन भर पानी में तैरा करते थे, कभी कभी तो पार का छोर भी छुआते थे। खुमानी मोटी थी और अखरोट का कद कुछ ऊंचा था। खुमानी मोटी थी और अखरोट का कद कुछ ऊंचा था। भंवर कोई पीछे पड़ जाए तो पत्थर की आड़ से होकर अखरोट का हाथ पकड़ के वापस भाग आती थी। क्या क्या इमेज दी है, देखिए इंसान बना दिया दो पेड़ों को। दे आर लाइक ह्यूमन बीइंग, दे आर लिव लाइव्स एंड शेयर लाइव्स विद अस। खुमानी मोटी थी और अखरोट का कद कुछ ऊंचा था। भंवर कोई पीछे पड़ जाए तो पत्थर की आड़ से होकर अखरोट का हाथ पकड़ के वापस भाग आती थी। अखरोट बहुत समझाता था, देख खुमानी भंवर के चक्कर में मत पड़ना, पांव तले की मट्टी खींच लिया करता है। देख खुमानी भंवर के चक्कर में मत पड़ना, पांव तले की मट्टी खींच लिया करता है। एक शाम बहुत पानी आया तुगयानी का, और एक भंवर खुमानी को पांव से उठाकर तुगयानी में कूद गया। अखरोट अब भी उस जानिब देखा करता है जिस जानिब दरिया बहता है। अखरोट का कद कुछ सहम गया है, उसका अक्स नहीं पड़ता अब पानी में। अभी गुलजार साहब चार या पांच, ये क्या, कैन यू स्टॉप दैट नॉइज, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ट्रीज। नहीं, चार या पांच कविताएं जो पेड़ पे पढ़ेंगे आप, देखेंगे ईच वन इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स इमेजरी। इट्स जस्ट हाउ अ पोएट सीज टू ट्रीज, एन एप्रिकॉट एंड अ वॉलनट स्टूड फॉर लॉन्ग क्लोज टुगेदर, व्हेन देयर शैडोज फेल इन द फ्लोइंग रिवर, दे शेड देयर गारमेंट्स एंड स्वैम द होल डे स्टार्क नेकेड, समटाइम्स गोइंग एज फार एज द अदर शोर। The apricot was a little plump, the walnut a little taller. If a whirlpool chased her, the apricot would take the support of a boulder and escape, catching hold of the walnut's hand. The walnut would try to make her understand. Listen, apricot, don't get entangled with that whirlpool. It drags the ground from under your feet. Lovely. Your picture body. The walnut would try to make her understand. Listen, apricot, don't get entangled with that whirlpool. It drags the ground from under your feet. One evening, the river was in spate, and a whirlpool, lifting the apricot by her feet, jumped into the raging waters. The walnut still gazes in the direction the river flows. His height is slightly shrunk. Now, his shadow does not reach the water. So ये जो है,